सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से हमीरपुर में नौसेना में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हिम नेवल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है। सोसाइटी के चेयरमैन संजीव कुमार को बनाया गया है, जो कि वंगाणा में एसटीएम नियुक्त हैं। कार्यक्रम में 200 पदाधिकारियों ने भाग लिया और वरिष्ठ सदस्य हरिचंद वनियाल और सबसे युवा सदस्य अंकुश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से गठित हिम नेवल सोशल वेलफेयर सोसाइटी का पहला सम्मेलन हमीरपुर में नेवी दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एडीजीपी कश्मीर सिंह राणा ने शिरकत की। सोसाइटी के चेयरमैन एवं एसडीएम बंगाना संजीव कुमार भी मौजूद रहे। सोसाइटी का उद्देश्य सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करना है और बेटियों की शादी के साथ अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए सहयोग करेगी। सोसाइटी के चेयरमैन संजीव कुमार ने बताया कि सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से हमीरपुर में नौसेना में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हिम नेवल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है। सोसाइटी का उद्देश्य सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करना है और बेटियों की शादी के साथ साथ अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सहयोग करना है। आज हिम नेवल सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रथम एनुअल जनरल मीटिंग का अधिवेशन था। इसमें तकरीबन 200 लोगों ने भाग लिया और इसमें हमारे को सबसे पहले तो जो इसके मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने सबको अदर मेंबर्स को इस अपनी सोसाइटी की क्या गतिविधियां हैं, क्या कार्यक्षेत्र है और कहां क्या काम करना है उसके बारे में बताया गया। इसके बारे में आपको मुख्यतः से बताएं तो हमारी जो सोसाइटी है वो सोशली वेलफेयर के क्षेत्र में कार्य करेगी। ये ना कि नेवी से आए हुए ही लोगों के लिए कार्य करेगी, परंतु जो हमारे समाज में निर्धन वर्ग से हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी कार्य करेगी और उनको सहयोग करेगी। इसके साथ साथ ही हमारी सोसाइटी का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के क्षेत्र में भी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। आज हमारे इस अधिवेशन में ऊना से डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर रघुवीर सिंह जी, मेजर रघुवीर सिंह जी यहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी हमारे यहां पर शामिल सदस्यों को दी। इसके साथ ही आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री कश्मीर सिंह राणा जी। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में लोगों को अनेक अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए और बातें बताई और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के बारे में हमारे को जागरूक किया। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा आज के फाउंडर मेंबर्स का, जो हमारे 15 का एक ग्रुप फॉर्म हुआ था, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम सोशल क्षेत्र में नेवी के जो रिटायर्ड और सर्विंग लोग हैं इकट्ठे मिलकर कुछ कार्य करेंगे। इसके साथ ही हमारी मैनेजिंग कमेटी भी फॉर्म हो गई थी और उन सभी ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। आज हमने निश्चय किया है कि हम अपनी सोसाइटी का एक ऑफिस बनाएंगे, एक सभा स्थल बनाएंगे और उसके लिए साथ ही एक रेस्टोरेंट बनाने की भी कोशिश करेंगे। आज हमारे 2 सदस्यों ने पैटर्न मेंबरशिप ली है। पैटर्न मेंबरशिप का मतलब है कि वो हमारी कमेटी के स्थायी तौर पे मैनेजिंग मेंबर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उन्होंने अपना भरपूर योगदान हमारी सोसाइटी को दिया है। आज मैं यहाँ पर सभी सदस्यों का, जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर लोगों को सहयोग दिया। धन्यवाद सर। ये जो आपकी सोसाइटी है, ये पिछले कितने समय से जो कार्य कर रहे हैं? ये इसका प्रथम अधिवेशन था। अभी हमने सोसाइटी के लिए जो फाउंडेशन की थी, 2 महीने पहले इसकी मीटिंग की थी और ये हमारा प्रथम अधिवेशन था, परंतु इसको आगे बढ़ाकर कंटिन्यू हर साल दिसंबर के माह में हम नेवी डे मनाते रहे। मुख्य अतिथि रिटायर्ड एडीजीपी कश्मीर सिंह राणा ने कहा कि संस्था के द्वारा अच्छी शुरुआत की गई है और इससे समाज में लोगों को सहायता मिलेगी। इस अवसर पर सोसाइटी वाइस चेयरमैन दीप कुमार वनियाल, महासचिव जसवंत सिंह, कोषाध्यक्ष कमलनाथ, निदेशक सुभाष चोपड़ा, संयुक्त सचिव पवन और गोवर्धन सिंह मौजूद रहे। तो
बहुत अच्छा है, इसलिए गुड स्टार्ट है सोसाइटी फॉर द वेलफेयर है, ये अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे लोग, लोग रहते जुड़ रहे हैं, जुड़े और ज़्यादा बढ़े हैं, ये जरूरत भी थी इसकी वजह से। हमारे तरफ से तो जो भी जिस चीज़ के लिए भी मैं फिट हूँ, मैंने इनको बोला है कि आप किसी में भी मेरे को कॉल तो संगठन किया गया है। ये हम चाहते हैं कि जो भी हमारे नावल्स के हैं, नेवी से रिटायर्ड हैं, उनका पूरा परिवार एक संगठन में आ जाए, ताकि हम एक दूसरे का से मेल मिलाप करके और दूसरे की एक दूसरे की सेवा करें। जहाँ पर एक दूसरे को जरूरत पड़ती है किसी भी विपत्ति के समय में या किसी को कभी भी, तो हम एक दूसरे के इसमें शामिल हो सकें और एक दूसरे के साथ अपनी दिक्कतों को भी प्रस्तुत कर सकें, ताकि उससे कोई भी आदमी इस सोसाइटी के अंदर आज इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको एक दूसरे की साथ में मिलने की जरूरत है, जिससे हमारे बच्चों का आदान प्रदान आपस में, अगर मेरा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन में है तो हम उसके द्वारा उसके दूसरे के परिवार को भी उस लाइन के अंदर डाल सकते हैं। मैंने जो आज ये यहाँ पर मेरा आने का मकसद था, मैं डिप्टी डायरेक्टर जिला सैनिक वेलफेयर हमीरपुर हूँ, मैंने नावल को जो था नेवी के जो एक सर्विसमैन थे, इनको जो स्टेट की तरफ से जो सहायता मिलती है, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से जो सहायता मिलती है, इनको बहुत सी स्कीमों के बारे में पता नहीं था, तो उनके बारे में मैंने इनको विस्तार में बताया है। नाउ द पीपल्स आर रियलाइजिंग कि हम आपके पास आएँ ताकि हम उनका पूरा बेनिफिट ले सकें। जय हिंद, धन्यवाद।